गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कल के क्लास में हम क्या सीखे थे, क्या सीखे थे? वर्णमाला सीखे थे। हिंदी वर्णमाला कौन कौन से स्वराक्षर लिखते हैं, व्यंजनाक्षर लिखते हैं, ये सब सीखे थे। और क्या सीखे थे? बारहवीं सीखे थे। बारहवीं में कितने होते हैं? मात्राएं। मात्राएं के साथ हम कैसे शब्द रचना कर सकते हैं, वाक्य रचना कर सकते हैं, ये सब हम सीखे थे। अब वो बारहवीं लिखने में कौन सी अंक प्रयोग करते हैं, कौन सी मात्रा किस व्यंजनाक्षर में प्रयोग करते हैं, देखिए ये सब सीखे थे। अभी ये आई ई ओ रु ए आई ओ औ अम अह, इसमें मात्रा के साथ ये सब मात्राएं, मात्राएं के साथ अक्षर के मात्राएं नहीं होते हैं, ये अक्षर के साथ व्यंजन के साथ मात्राएं लिखकर हम गुणित अक्षर क्या भारतकड़ी सीखे थे। भारतकड़ी वर्णमाला सीखने से हमें वाक्य रचना, शब्द रचना सुललित नहीं होता, जिसके साथ तो उच्चारण के लिए क्या आवश्यक है भाषा के लिए, और भाषा के लिए आवश्यक है द्वितीयाक्षर। द्वितीयाक्षर को जोड़ाक्षर भी कहते हैं। देखो ये कन्नड़ में वत्ताक्षर कहकर कहते हैं। देखिए अब हम लिखने का सीखेंगे, पहले किस अक्षर को कैसे लिखना है। जोड़ाक्षर क्या होता है? जोड़ाक्षर होता है एक ही जैसे अक्षर पहले आधा और पूर्ण अक्षर लिख जोड़ कर लिखने को हम जोड़ाक्षर कहते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो एक ख अक्षर को देखिए, पहले ख का आधा और पूर्ण ये केवल व्यंजन अक्षर के लिए ही जोड़ाक्षर होते हैं, स्वरों के लिए नहीं होता है। ख घसकर बोलना चाहिए खा। देखिए आपको समझ में आया है खा, देखिए गा वाला पूर्ण का खा, गा वाला पूर्ण खा। दुनिया को दुनिया देखिए इसे छा पहले आधा पूर्ण छा, अब देखिए सेकेंड बार पूर्ण छ झ पूर्ण झ जा पूर्ण झ पूर्ण पूर्ण ठा। देखिए ऐसा, देखो ऐसे भी लिख जा सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख लिख जा सकते हैं। देखो ऐसा ठा ठा गे हाँ, ये भी एक सही लिखी जा सकते हैं दा, दा, धा, ना। पहले छोटा सा बाद में बड़ा था, देखा था ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख जा सकते हैं थ ध। देखिए ऐसे भी लिख जा सकते हैं, ऐसे लिखते हैं के लिए ऐसा होना चाहिए ना, ना, ना है ना, ऐसे भी लिख जा सकते हैं ना, वा, शे, शा,
देखो अब भाई ने हम छोटा आधा था, छोटा मीन्स आधा अक्षर लिख सकते हैं, बात आफ्टर फुल अक्षर लिखते हैं। देखिए इसे घसकर बोलना चाहिए, यहां से बोलना चाहिए खा खा ख खा म्या छ छ झ झ म्या ठ ठ ड ढ ना ठ ठ ध ध ना फ प भ भ म य य ल व श श स ह य। देखिए ऐसे गस्कर उच्चारण करते समय भी हम धीमी से जोर आवाज से घसकर हम बोलना चाहिए और तक इससे संयुक्त ये इससे भी अलग और द्विताक्षर में संयुक्त अक्षर भी एक अलग विभाग है, वो आगे की क्लास में हम सिखाते हैं। देखिए ये मक्खा बच्चा ये लट्टू, लट्टू क्या देखिए आधा अक्षर हमको पता नहीं रहता कैसे आता है आधा अक्षर। देखिए ये हालांकि करते हैं हम पहले लिखते समय एक शब्द लिखते समय पहले पूर्ण व्यंजन लिखते हैं, जैसे एक अक्षर पहला व्यंजन आधा लिखकर जैसे वही अक्षर आफ्टर पूर्ण अक्षर बाद में लिखने के समय दो अक्षर हम मिलाकर लिखते हैं शब्द होने से। देखिए पहला व्यंजन बाद व्यंजन अक्षर आधा पर वही व्यंजन अक्षर पूर्ण लिखे हैं, ये मक्खा हुआ, पढ़ते समय मक्खा ना पढ़ते हैं मक्खा पढ़ने का है बच्चा। देखिए ये आधा अक्षर ऐसे ही ये लट्टू है ना, लट्टू आधा ಒತ್ತಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಇದು
पढ़ने का और बोलने का, हलंत कब लगाने का, नई साक्षर आते समय हलंत लगाया जा सकता है। अब पीछे के समय जो अक्षर को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं, ये संयुक्त अलग और जो अलग अक्षर को हम जोड़कर लिखते हैं, इसलिए संयुक्त अक्षर कहते हैं। आपको समझ में आया? घर में पेज नंबर, पेज नंबर 8, 7, 6, 7, 8 एंड देन 11, दिस पेज को आप 2 ना 3 बार पढ़ते जाओ, आपको समझ में आएगा। देखिए ऐसे देखो, मिलान करो, मिलान मीन्स मैच का फर्क, देखो एक जैसा, देखो एक जैसा जोड़ाक्षर है। पत्ता, पत्ता किधर है? देखो कुत्ता, आप एक बार गहराइए, डिब्बा डिब्बा डिब्बे, बच्चा सच्चा, 11 स्वागत, मक्खा मच्छर। आपको ऐसा जोड़कर समझ